तो देखिए यहाँ पर लाइट मोशन के अंदर इस तरीके का एक एरर लिखा हुआ आ सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा है द ओरिजिनल मीडिया फाइल यू सेट फॉर दिस लेयर इज मिसिंग और हैज़ बीन मूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन प्रॉब्लम। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा या फिर ये क्यों आ रहा है वो जानते हैं। तो देखिए लाइट मोशन के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी मतलब फ़ोटो वीडियो जो भी है आप बनाते हैं, ठीक है, उसे ऐड करते हैं। अब होता क्या है कि आगे प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप उस वीडियो को जो है मतलब आपने जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाई है जिसमें आपने जो फाइल्स यूज़ की है, यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है ये इमेज एक, ठीक है, तो ये इमेज हमने आप गूगल से जो है डाउनलोड किया और यहाँ पर यूज़ किया, बाद में जाकर हमने इसे हटा रिमूव कर दिया है। तो अब उस फोटो को इमेज को हमने अगर रिमूव कर दिया तो उस केस में यहाँ पर जो है अगर वो हम ऐड करते हैं तो उस केस में वो यहाँ पर शो नहीं होगा, ठीक है। इनका मतलब यही है कि यहाँ पर अगर आप जो है वीडियो क्रिएट होने से पहले ही अगर आपका कोई फ़ोटो वीडियो डिलीट कर देंगे तो उस केस में आपकी वीडियो जो है सही से नहीं बनेगी या फिर ब्लैंक बनेगी। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए नॉर्मल सा यही है कि आपको उस इमेज को यहाँ से डिलीट करना है। मान लीजिए अभी इमेज है और यहाँ पर हमारी गैलरी से इसे हमने हटा दिया है, किसी भी मतलब गलती से भी सही, लेकिन हट चुकी है ये, ठीक है। तो इसे आपको यहाँ से डिलीट करना है। यहाँ पर मैं जैसे इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर फिर से आ चुका है, तो यहाँ पर हमने इसे डिलीट कर दिया है। तो करना आपको बस यही है, फिर से आपको गूगल में जाइए, उस इमेज को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर ऐड कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। चाहे वीडियो हो फोटो हो, अगर आप बिना देखे ही अगर उसे गैलरी से रिमूव कर देते हैं, इस तरह का एरर आता है, आप वीडियो एक्सपोर्ट करते हो तो आपकी वीडियो सही नहीं बनेगी क्योंकि जो इमेज आपको वहाँ पर लगानी है वो पहले ही डिलीट हो चुकी है, तो वहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा, वो जो टाइमिंग है वहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा, कुछ भी वहाँ पर शो नहीं करेगा।